तो आज की हमारी इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्शन। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग। सिमी जी आपने डबल इनवाइस डबल से कनेक्ट किया है, तो प्लीज म्यूट कर लें। कनेक्शन ग्रुप क्लास में ही प्रॉब्लम होती है, कुछ तो माइक म्यूट नहीं करते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो आज की सेशन में हम शुरू अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे सिलेक्शन मेथड से, डेटा सिलेक्शन से। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तो एक्सेल के अंदर में अगर आप कुछ भी करते हैं तो जरूरत पड़ती है सिलेक्शन की। बगैर सिलेक्शन किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो हम इसी सिलेक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए फाइल खोलते हैं। हेलो जी, हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ क्लास में। क्लास में कॉल करें इसी नंबर पे। तो एक डेटा है, मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो इस डेटा को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो जनरली माउस से आप लोग क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरीका है कि इसको क्लिक करें, शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक करें, डेटा सिलेक्ट हो जाए। मतलब इस पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक करें, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप ऊपर सिलेक्ट करते हैं और नीचे सिलेक्ट करते हैं, तो ऊपर से नीचे कर्सर मूव होता है, ऊपर से नीचे कर्सर मूव होता है। तो यहां पे अगर हम शिफ्ट के साथ करते हैं तो मूव की जगह पे क्या होता है, सिलेक्ट होता है। मूव की जगह पे सिलेक्ट होगा। तो माउस से भी हम इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड से सिलेक्शन की बात आती है, तो कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और कंट्रोल्स के साथ, या फिर जनरली लोग शिफ्ट के साथ एरो की करते हैं, या फिर ये तो नॉर्मल चीजें हैं, सबको पता होती है। हम कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, डेटा सिलेक्ट होती है। कंट्रोल ए से क्या होता है, डेटा सिलेक्ट होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले जानते हैं कंट्रोल ए जो है किस फंक्शन को ट्रिगर करता है। तो होम मेनू के बाद यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल, और इस गो टू स्पेशल में क्या है, करेंट रीजन, इसको ओके करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट होता है। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके डेटा में पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, अगर इंसर्ट करता हूं पूरी रो ब्लैंक है, तो फिर हम कंट्रोल ए करेंगे तो ऊपर का सिलेक्शन होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। ऊपर का सिलेक्शन होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले हम यहां ढूंढेंगे कैसे कि नीचे का डेटा ही है, ब्लैंक है, मतलब डेटा नीचे ब्लैंक है। तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो करेंगे, अगेन डाउन एरो, अगेन डाउन एरो, यहाँ पे इस तरह से पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो आप इस तरह से नीचे सिलेक्ट की तरह जा सकते हैं। या फिर सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा उपाय है कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड का एंड की दबा दीजिए, सिलेक्ट हो।
लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो एंड की है पूरी डेटा को सिलेक्ट कर रही है, मतलब एक ब्लैंक एरिया भी सिलेक्ट कर रहा है। तो ये आपका जो है सिलेक्ट करता है दीज वर सेल्स ओनली, दीज वर सेल्स ओनली को सिलेक्ट करता है। और इसमें जो एरिया यूज्ड है उसको भी सिलेक्ट करता है। तो ब्लैंक ये जो एरिया दिख रहा है कि हमने इसको भले ही ब्लैंक है बट इसको मैंने यूज किया हुआ है, भले ही ब्लैंक है बट हमने क्या किया हुआ है इसको यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास डेटा है जिसमें आपने इसको अगर कोई फालतू की रो को आपने यूज नहीं किया है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एंड की का बटन दबाएंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा, डेटा पूरा ओवरऑल सिलेक्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ ओवरऑल सिलेक्ट हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि सर इतने सारे शॉर्टकट बता रहे हैं, तो देखिए शॉर्टकट जो है आपको यहाँ पे मैं लिस्ट पूरा दे रहा हूँ, ये फाइल मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, तो यहाँ आपको शॉर्टकट का पूरा लिस्ट दी जाएगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन आती है कि इसके अलावा पूरी की पूरी शॉर्टकट कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें, कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल का हेल्प खुल के आएगा, जहां पे सर्च होगा यहाँ पे आप सिंपली सर्च कीजिए शॉर्टकट, शॉर्टकट या शॉर्टकट की, और यहाँ पे आपको जैसे गूगल में सर्च रिजल्ट आता है ऐसे यहाँ पे सर्च आएगा, सर्च रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है एक्सेल शॉर्टकट इन कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, और भी बहुत सारे थे। अब इसमें सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे। अब देखिए पहली क्लास में मैं शॉर्टकट के बारे में समझा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे कीबोर्ड के एक्शन को नहीं देख पाते लेकिन माउस पॉइंटर आपको अच्छा से दिखता है, इसलिए हम यहाँ पे पहले दिन आपको समझा दे रहे हैं। ये सारे कीबोर्ड्स की प्रिंट आउट निकाल के डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते, और इसमें सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ शॉर्टकट ही सर्च कर सकते हो, इसमें आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी फंक्शन, जैसे कि मैंने सर्च किया लिमिट्स, लिमिट्स पे एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल की लिमिट्स आपको दिख जाएंगे कि किस फीचर की मैक्सिमम लिमिट क्या है, ऐसी कोई भी चीजों को यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो कुछ चीज ढूंढने के लिए गूगल पे जाते हैं, गूगल पे सर्च रिजल्ट पे आपको क्या आता है, हमारे जैसे जो लोग वेबसाइट और इसके ऊपर डाले हुए हैं उसी का आता है आर्टिकल्स एंड वेबसाइट, जो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप गूगल पे यहाँ हेल्प एक्सेल हेल्प करें, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको 100% प्रूफ रीड के साथ मिलेगी। अब शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं डेटा सिलेक्शन में। मान लीजिए कि मुझे जो सिलेक्शन करना है वो कुछ कुछ सेल करना है, तो कुछ कुछ सेल्स के लिए आप यहाँ सिंगल कोट प्रेस करें और कुछ कुछ जगहों पे इस तरह से क्लिक करें। अब मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता, इसके अलावा सब कुछ कर सकता हूं, तो मल्टीपल सेल आप सिलेक्ट करते हैं बिना सीक्वेंस में तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ भी जैसे कलर करना है डिलीट करना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कॉपी करना है तो उस केस में हम सिक्वेंसली करेंगे, तो कंट्रोल प्रेस करके जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सारे में हमने सिंगल एक एक सेल लिया है और उसको मैं आसानी से कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि एक से लेकर तीन लिया, यहां भी हमने एक से लेकर तीन लिया, यहां भी हमने एक से लेकर तीन लिया, तो इसको मैं आसानी से कॉपी कर सकता हूं।
तो सीक्वेंस में आना चाहिए। और इसका यूज हम लोग एक्सेल सीट पे भी करते हैं। जैसे एक नई हम एक्सेल शीट लेते हैं और इस नई एक्सेल शीट के अंदर मैंने क्या किया, कई सारे शीट हम यहाँ ऐड कर देते हैं। और मैं चाहता हूं हर शीट के अंदर डेट लिख लो, तो यहाँ पे क्लिक क्लिक किया और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ डेट लिखते हैं। जैसे कि मैंने आज की डेट डाल, आज की डेट, तो अब देखेंगे सीट 1, सीट 4, सीट 3, सीट 6, सीट 9 सब पे आपका डेट गया हुआ है। लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज चाहिए, जैसे सीट 1 चाहिए, तो हम शिफ्ट के जगह पे कंट्रोल प्रेस करेंगे। एक बार और रिपीट करता हूं मैंने कैसे किया। हमने शिफ्ट के साथ पहले सीट पे क्लिक किया, सॉरी नो, पहले पहले सीट पे क्लिक किया, फिर कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड किया और सबसे लास्ट में क्लिक किया, तो इसके बीच का जितने भी शीट्स हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, आप लोगों की मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर, प्रेम जी को दिक्कत था सर। सर सर स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है, वॉइस में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि दूर से आ रही है। वॉइस वॉइस दूर से आ रही है। हाँ, तो बीच में क्रैक कर रही है। और सर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप रुक गए हो। सर तो थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ। नहीं नहीं वो रुकना ठीक है सर, मैं बोल रहा ऐसे भी जब बात कर रहे हैं ना, जैसे कोई जब कोई दूसरा बोल रहा है तो बहुत साफ आवाज आ रही है, आप जब बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दूर से आ रही है। हो सकता है आपका माइक्रोफोन थोड़ा हट जाता हो। नहीं नहीं ऐसा अगर बेसिकली बेसिकली क्या है कि मेरा जो माइक्रोफोन है मैंने लगाया हुआ हूँ, वो लैपटॉप के माइक्रोफोन से चल रहा है और मैंने लैपटॉप स्टैंड लिया हुआ है, जिस कारण से थोड़ा दूर दिख रहा होगा। एक दो दिन में हाँ मेरा नया आ जाएगा। मेरा जो अभी माइक था वो खराब हो गया है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आई थिंक 19 या 20 को आ जाएगी मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। वो सिलेंडरी मेरा माइक्रो सिलेंडरी मेरा माइक्रो कल सुबह जो है खराब हो गया था। ओके अभी ठीक है वॉइस सर, मेरी। इन बिटवीन, इन बिटवीन कैन यू स्पीक इंग्लिश ओके तो थोड़ा? यहाँ ओके तो यहाँ पे हम देखें कि मैं वन टाइम अगेन रिपीट करता हूँ कि इफ यू वांट टू एंटर द डेटा ऑल सीट एट वन टाइम, सो वी हैव यूज द सिंपल शॉर्टकट, सेलेक्ट द फर्स्ट सीट एंड प्रेस द कीबोर्ड शिफ्ट की एंड गो टू द लास्ट सीट। नाउ यू हैव एंटर एनीथिंग इन द एनी शीट्स एंड टाइप द ऑल शीट जस्ट लाइक ए कार्बन कॉपी। सो वी हैव टाइप हियर डेट एंड पुट द डेट हियर, सॉरी टाइम डेट हियर एंड यू कैन सी एवरी शीट। अब यहां पे बात आती है कि मुझे सारे शीट में नहीं, कुछ कुछ शीट्स में चाहिए, कुछ कुछ शीट्स में। सो आई वांट टू जस्ट टाइप द एंटर सम पर्टिकुलर सिलेक्टेड शीट, नॉट ए ऑल शीट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, प्रेस द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट योर सिलेक्टेड शीट। नाउ हमने सिलेक्ट कर रखा है सीट 1, सीट 5, सीट 2। वी हैव सिलेक्ट सीट 1, सीट 5, सीट 2। सो यहां पे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे वी हैव टाइप हियर टाइम, हियर टाइम एंड ऑल्सो गिव द फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वी हैव टाइप द सीट 1, सीट 5, सीट 3, सीट 4 इज ब्लैंक बट सीट 5 हैव अ डेटा, सीट 6 ब्लैंक। तो जिस जिस सीट को हमने सिलेक्ट किया था उस इस सीट में हमने यहां पे कर लिया। ओके समझ में आ गया आपको? एनी डाउट्स? वन सेकेंड, रिपीट करो सर। सिंपल सा समझिए, हमारे पास क्या कई सारे शीट्स हैं और मुझे इसमें से किसी सिलेक्टेड शीट पे डेटा टाइप करनी है। तो आई हैव द टू वे, हम पहले एक पे टाइप करेंगे फिर कॉपी करके जहां जहां चाहिए वहां कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट। बट
आपके पास अगर डेटा बहुत सारा है और मैनुअल करेंगे तो टाइम लगेगा। तो उस केस में हम अपने कीबोर्ड के कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और जिस जिस शीट में मुझे टाइप करना है उस शीट को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो सारे शीट के ऊपर टाइप होगा। ओके ओके, तो हमने सिलेक्शन मेथड को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं डेटा टाइपिंग की। किसी तरह का अगर टाइपिंग करते हैं एक्सेल पे कैसे करेंगे, जैसे आई हैव टाइप हियर 500 एंड प्रेस द एंटर, 500 नंबर सो शिफ्ट टू लेफ्ट, तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो गया, माफ कीजिएगा, ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू राइट, और ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द नंबर। बट हम कोई नाम टाइप करते हैं, वी हैव टाइप द टेक्स्ट एंड विल प्रेस द एंटर, शिफ्ट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द टेक्स्ट। ऐसा क्यों? Sometimes we have typed the date and text and number both together. एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट और नंबर हम टाइप करते हैं और इसके ऊपर हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो एक्सेल इंडिकेट यू कि दिस इज द कैलकुलेटेड डेटा, दिस इज नॉट कैलकुलेटेबल डेटा। बट sometimes we have needed, just like people type the here, just like measurement 20 feet, 30 feet, 85 feet, 90 feet, and 32 feet. And now I want to sum the all measurement. But problem, every number with the FT, FT is the text. तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि हम इसको सम नहीं कर पाएंगे। अगर हम सम का फॉर्मूला लगाते भी है तो एंटर प्रेस करते वी गिव द जीरो रिजल्ट। तो यहां पे मुझे दो चीजें करनी पड़ेगी, हमें नंबर्स को अलग अलग सेल में रखना हो एंड टेक्स्ट को अलग सेल में रखना हो। एंड नाउ आई वांट टू शो टुगेदर इन वन सेल, तो यहां पे हम अपने कॉलम को छोटा करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, गो टू द फॉर्मेट सेल, एंड नाउ वी हैव सिलेक्ट द बॉर्डर एंड दिस बॉर्डर, यू नॉट सिलेक्ट द दिस बॉर्डर, आप इस बॉर्डर को सिलेक्ट मत कीजिए वरना ये मिडिल लाइन आ जाएगी आप, देन ओके, एंड बीच में जो आपको दिख रहा है ग्रिड लाइन, सो वी हैव रिमूव द ग्रिड लाइन यूजिंग द व्हाइट कलर। और यहां पे हम क्या करेंगे, सॉरी दिस इज द ऑन डो, गिव द व्हाइट कलर, रिमूव द ग्रिड लाइंस, एंड नाउ वी हैव सिलेक्ट द बोथ ऑफ सेल्स एंड मर्ज एंड वी हैव अप्लाई द सम, सम फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए रिजल्ट आ गया। ये अदरवाइज हम इसको मर्ज नहीं करते हैं और यहां पे हम एफ टी लिख देते हैं। लेकिन उस समय कुछ टाइम क्या होता है कि हमें डिमांड होती है कि हमें दोनों को अलग अलग सेल में नहीं रखना, मुझे एक ही सेल में रखना है और मुझे सम भी करना है। तो अगर आपने टाइप कर दिया तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी कीमत में हम इनको सम नहीं कर सकते। तो दैट केस वी हैव अप्लाई द कस्टम फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट द डेटा एंड इन द होम सेक्शन इन द नंबर क्लिक हियर कस्टम फॉर्मेटिंग एंड वी हैव टाइप हियर जीरो एंड एफ टी, देन ओके। अब यहां पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उसके साथ एफ टी ऑटोमेटिकली लग जाएगा, बट रिमेंबर दिस इज अ विजुअलाइजेशन नॉट ए ओरिजिनल, बिकॉज ओरिजिनल जो है आपका वो 12 ही है, बट 12 फीट विजुलाइज हो रहा है और यहां हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये सम होकर दिखता है। तो मैंने कैसे किया, हमने सिलेक्ट किया यहां नंबर के सामने जो दिखता है नंबर फॉर्मेट, उस पर क्लिक किया,
गो टू द कस्ट नंबर फॉर्मेट एंड कस्टम, और यहां पे हमने कुछ नहीं किया, जस्ट यहां पे जीरो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेक्स्ट शो करना चाहते हो, यहां मैं एफ टी शो करना चाहता हूं तो मैंने एफ टी लिखा, कुछ और शो करना चाहते हैं तो कुछ और लिख सकते हैं, देन ओके इस तरह से शो होगा। सर अगर मुझे अगर पहले लिखना आई एन आर करके तो भी चलेगा ना, पहले आई एन आर लिख दीजिए, जीरो से पहले लिख दीजिए। ओके, और हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम आगे क्लासेस में इस कस्टम फॉर्मेटिंग को डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो जस्ट मैंने एक सॉल्यूशन शो किया। ओके सर, अब बात करते हैं रेफरेंस की, तो यहाँ पे सेल्स देख पा रहे हैं और डेटा है, तो मैं चाहता हूँ सारे सेल्स में 20 ऐड करना, तो जाहिर सी बात है हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं, हम इक्वल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे प्लस 20 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जब भी हम किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला विल बी इंक्रीज, यू कैन सी हियर A3 कन्वर्ट टू A2 कन्वर्ट टू A3, दिस इज अ वेरी यूजफुल। सपोज दैट कि अगर फीचर नहीं होती दैट टाइम हमें वन बाई वन सारे के सारे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, और दिस इज द टिपिकल जॉब इफ यू हैव डेटा मोर देन 10,000, सो दिस इज द गुड फॉर यूज, पर वन थिंग प्रॉब्लम हियर, सो मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया, नाउ हम डेटा को सेलेक्ट किए प्लस 20 एंड ड्रैग डाउन हियर, तो क्या प्रॉब्लम होगा, सो A2 increase to A3, okay? So also D1 increase to D2. But problem ये है कि मेरे 20 fix है D1 पे, and मैं नहीं चाहता कि D1 convert to D2. So that time we have applied the dollar sign before of the D1, because I have drop down the top to bottom. तो मैं इसमें सिर्फ डॉलर साइन वन से पहले लगा देता हूं, प्रेस द एंटर, नाउ हम इसको ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पे D1 फिक्स है, तो हमने टॉप टू बॉटम किया है इसलिए फिक्स है, अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, देन यू कैन सी हियर डी चेंज टू ई, सो यहां पे मैं ई को भी चेंज नहीं करना चाहता, सो दैट टाइम वी हैव अप्लाइड द डॉलर साइन बिफोर ऑफ द डी एंड नाउ वी हैव इंक्रीज इट, ओके आई गिव द वन एग्जांपल, आई वांट टू कैलकुलेट द टेबल, टेबल वी हैव स्टडी, आप लोग जो है बचपन में पढ़े होंगे टेबल्स, 2 × 2, 2 × 2, 4 × 3, क्या बोलते हैं 6, हम लोग तो सर हिंदी में पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे दुक्का 2, 2 × 4, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 5 × 2 यू गॉट द रिजल्ट 10, नाउ 5 × 3 गिव द रिजल्ट 15, 5 × 4 गिव द रिजल्ट 20, बट वन प्रॉब्लम है, सो मैं वन बाई वन नहीं करना चाहता, ड्रैग करना चाहता, सो वी हैव मल्टीप्लाई 5 × 2, अब मुझे टॉप टू बॉटम ड्रैग करना है, तो मैं एक बार नीचे ड्रैग करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या बना, यहाँ 2, 3 हुआ रिक्वायरमेंट है मेरी, बट 5, 10 हुआ रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो 5 क्या है D12, तो D12 का 12 फिक्स होना चाहिए, 12 जो है वो 13 नहीं होना चाहिए, तो हमने डॉलर साइन लगाया, हम मैं अब ऊपर से नीचे ड्रैग करता हूं, तो मुझे 5 का टेबल मिल गया, क्योंकि मैंने 5 को फ्रीज कर दिया, वी हैव एब्सोल्यूट द रेफरेंस यूजिंग द डॉलर साइन ऑफ 5, इट मीन्स D12, यहां पे हम करते हैं ड्रैग लेफ्ट टू राइट, बट यू कैन सी हियर डबल क्लिक सी हियर 5 × 10 इज गुड, बट 2 × 10 दिस इज नॉट गुड, सो आई वॉन्ट टू फिक्स द सी, ओके या सी, सो अप्लाई द डॉलर साइन बिफोर ऑफ द सी एंड नाउ वी हैव ड्रैग लेफ्ट टू राइट
and top to bottom. Okay, so you can see here C13 multiplied by D12 and here C13 multiplied by E12. But in the below C14 multiplied by D12. So dollar sign, समझ में आ गया? Any problem with dollar sign? No. Okay. सर ये डॉलर साइन सेल को फ्रीज कर देते हैं ना? जी हाँ जी हाँ. इसमें हम आगे क्लास में डिटेल पढ़ेंगे. नाउ द होमवर्क फॉर दिस एवरी डे आपको हम 2 से 3 होमवर्क देंगे, ध्यान रखिएगा. तो पहली होमवर्क है कि कैश मेमो बनाना है और इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है सम सैंपल डेटा डाल. ओके अब हम दूसरी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. दूसरी टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि अभी भी हमने मैथमेटिक में कैलकुलेशन सीखा है. सो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अच्छे से सीखते हैं. इन द एक्सेल वी हैव 2 वे टू कैलकुलेट योर नंबर, जस्ट लाइक वी हैव 30 and 20. I want to sum it. So apply the sum form. हम सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड सम फॉर्मूला इज द इनबिल्ट फॉर्मूला, हमें रिजल्ट आ जाएगा. दूसरा तरीका है कि हम इसको 20 को क्लिक करेंगे प्लस यहाँ पे 30 करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 50 रिजल्ट आया. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया. वी हैव यूज द मैथमेटिकल ऑपरेटर. अब दोनों में डिफरेंस समझिए. इनबिल्ट फॉर्मूला आर लिमिटेड. इनबिल्ट फॉर्मूला जितने बने हैं आप उतने यूज कर सकते हैं, बट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन वी आर नॉट लिमिटेड. वी हैव कैलकुलेट एनीथिंग विथ मैथमेटिकल फॉर्मूला. तो यहाँ पे Q1 and Q2 है और मैं यहाँ पे ग्रोथ निकालना चाहता हूँ. वी हैव कैलकुलेट द ग्रोथ. व्हाट इज द ग्रोथ ग्रोथ रिजल्ट? तो ग्रोथ कहता है लेटेस्ट माइनस, ग्रोथ का जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कहता है लेटेस्ट माइनस ओल्ड एज डिवाइड बाई ओल्ड एज. अब यहाँ पे मेरे पास देखिए एक ड्रॉ का टेबल होता है, ट्यूब टैब होता है जो नहीं है. तो हम फाइल मेनू बार के बाद ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ कस्टमाइज रिबन में आएंगे. अब जो न्यू टैब करके दिख रहा होगा जो कि मैंने बनाया हुआ है, अब इस टैब को अनचेक करता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है. ड्रॉ को क्लिक करके ओके ओके करूंगा. सो वी गॉट द न्यू ड्रॉ ड्राइव हियर. इस तरह से हम किसी भी टैब को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं. ओके तो यहां पे ग्रोथ का टेबल कहता है कि Q2 minus Q1 divided by Q1. तो यहां पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना चाहते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ड मास मेथड को फॉलो कीजिएगा. तो यू हैव यूज द ब्रैकेट फॉर एवरी सेपरेट कैलकुलेशन. सो Q2 minus Q1 and divide by Q1 and we got the 20%. तो यहाँ पे डेसिमल परसेंटेज लगाना पड़ेगा. डेसिमल में आएगा तो परसेंटेज लगा दीजिए. ओके देखिए क्या है कि बोर्ड मास इंपॉर्टेंट क्या है. यहाँ पे देखिए 2 plus 2 divide by 2 कितना होगा. अब जो बोर्ड मास मेथड का जिक्र मैं नहीं करता तो आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि ये रिजल्ट आएगा 2. मैं 2 plus 2 4 होगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं आएगा. बोर्ड मास मेथड पहले डिवाइड करेगा रिजल्ट 1 एंड फिर प्लस 1 करेगा. तो आप देख लीजिए कि हमें डिवाइड 2 को करना है, 2 प्लस 2 को करना है. अगर 2 प्लस 2 को करना है तो वी हैव यूज द ब्रैकेट.
So same like that here. अब यहाँ पे हम एक और कैलकुलेशन की बात करेंगे. यहाँ पे मेरे पास 50,000 है 3% एंड यहाँ पे टाइम 5 है. सो मैंने एक लोन लिया है 50,000 का 3% की इंटरेस्ट रेट पे 5 ईयर के लिए. सो हाउ मेनी अमाउंट आफ्टर 5 ईयर. तो यहाँ पे एफडी का फॉर्मूला है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनबिल्ड है. बट प्रॉब्लम है कि जो मेरी कैलकुलेशन है, मेरी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर डिफरेंट ऑफ एफडी फॉर्मूला. तो मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है? तो मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहती है कि अमाउंट इक्वल टू पी यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, देन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैथमेटिकल क्लास कर रहे हैं, हम तो एक्सेल के लिए इनरोल किए थे और सर मैथ पढ़ा रहे हैं. तो यहां पे समझ लीजिए, यहां पे हम मैथ के जरिए ब्रैकेट का यूज समझ रहे हैं. किसके जरिए ब्रैकेट यूज? ब्रैकेट का यूज. और एक और चीज, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड. अभी देखिए इतनी लंबी कैलकुलेशन है तो जाहिर सी बात है एक बार में करने पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए. चलिए इसको, जैसे हम मैथमेटिक्स में नोट पैड जब यूज करते हैं तो उसको टुकड़ों में तोड़ के करते हैं, सो यहां भी हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं. तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट सेपरेट वन बाय वन. सो इन दिस ब्रैकेट 1 प्लस इन दी ब्रैकेट आर आर 3% डिवाइड बाई एन, एन इट मीन 12. ईयरली कैलकुलेशन है तो 12, मंथली है, वन ईयर में 12 मंथ होते हैं इसलिए. सो वी हैव कैलकुलेट दिस पार्ट प्लस दैट. नाउ वी हैव कैलकुलेट टी टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, देन बोथ ऑफ पावर एंड पावर सिंबल इज दैट एंड यू हैव यूज द शिफ्ट 6. You can got this symbol. So select here, power symbol हमने दिया, इसको select किया और and replace किया यहाँ पे आ गए. Then we have multiply our principal with this and we got the result 58,080.84. अब यहाँ पे problem है कि हमने कई सारे cell को calculate किया है and now we have combined both of formula in one cell. अब सारे formula कैसे combine करें? तो यहाँ पे हम formula merging method जो कि मेरा इजाद किया हुआ है, मैंने 2006 में इस चीज को इजाद किया था. तो अगर कोई आपको बताता है तो दो केस हो सकता है, या तो संजोग होगा या मेरा वीडियो देखा होगा या मैंने इससे क्लास लिया हो. तो क्या है, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो मेरा फॉर्मूला इससे लिंक है, इस पर डबल क्लिक करते हैं इससे लिंक है और ए जो है फॉर्मूला ए रहा. तो हम डबल क्लिक करते हैं, आफ्टर इक्वल सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, एस्केप प्रेस करके बाहर आते हैं, एस्केप प्रेस करके. एंड नाउ दिस इज द D12, जहां D12 है ब्रैकेट में हम D12 का फॉर्मूला डाल देते हैं. अब D12 का लिंक हट गया, सो वी हैव डिलीट D12, कोई इफेक्ट नहीं हुआ. देन ऑल्सो E12 after the equal select the all formula, copy, press the escape and out of the formula and double click. Now select the D12 और यहाँ पे हम paste करते हैं control V से, bracket close करते हैं, लेकिन bracket में paste करेंगे ध्यान रखिएगा, press करते हैं enter और यहाँ select करते हैं. After that हम इसको यहाँ पे इसको copy करेंगे control C, escape मार के बाहर आते हैं और यहाँ जहाँ पे आपका F12 है उस पर हम F12 का फॉर्मूला पेस्ट कर एंटर पेस्ट करते हैं. अब यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं. अब इसको उठा के मुझे यहाँ रखना है. सो डू नॉट यूज द कॉपी एंड पेस्ट, यूज द कट एंड पेस्ट. क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में आपका जो एड्रेस है वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है. सो कट पेस्ट कीजिए, ये फॉर्मूला आपका लग गया. तो ये फॉर्मूला आप इसको आसानी से लगा सकते हैं. इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ फॉर्मूले के लिस्ट आपको यहाँ पे दिए हैं
और यहाँ भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो प्रैक्टिस टू आप कर सकते हैं। जैसे ये प्रैक्टिस टू में यहाँ हम इसकी बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक का मुझे वॉल्यूम निकालना है तो एल बी एच है, तो क्या करेंगे हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी टू मल्टीप्लाई बी थ्री मल्टीप्लाई बी फोर। अब यहाँ पे क्या है टू एच एल प्लस बी, और ये कैसे लगाएंगे इक्वल हम यहाँ पे टू लेते हैं और इन द ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट एवरी कैलकुलेशन कैलकुलेट विथ ब्रैकेट। एच क्या है हमारा, एच हमारा 10 है और इसको हम करते हैं अगेन मल्टीप्लाई और यहाँ एल प्लस बी, एल प्लस बी एंटर प्रेस कीजिए रिजल्ट आ जाए। उसी तरह से यहाँ एल बी यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हम यहाँ पे टू लेते हैं मल्टीप्लाई एक मेन ब्रैकेट उसके अंदर एक और ब्रैकेट जिसमें हम एल और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, एल मल्टीप्लाई बाई बी एंड प्लस बी और एच को मल्टीप्लाई करेंगे इन द ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाई एच, फिर यहाँ पे प्लस देंगे और एच और एल को मल्टीप्लाई करेंगे एच मल्टीप्लाई बाई एल और फिर मेन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करो तो रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे पाई है ये जो दिख रहा है, तो पाई का मान क्या होता है, पाई के लिए पाई का फॉर्मूला लगाइए आपको यहाँ उसका रिजल्ट आ जाएगा पाई माइक्रोग्रिड मोड्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे क्यों, हम तो और स्कूल में मैथमेटिक्स से पीछा छुड़ा रहे थे। जैसे मैंने बताया कि हम ब्रैकेट का चक्कर समझा रहे हैं क्योंकि आगे क्लासेस में जब हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे फंक्शन सिखाएंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए अब इस तरह की फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कहां कहां ब्रैकेट है, दिख रहा है ना सर। अब इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, इस तरह के फॉर्मूले के अंदर जो ब्रैकेट का खेल है वो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले ही क्लास में ये चीज आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। तो ए फाइल भी आपको भेज दूंगा और इसकी कैलकुलेशन भी आप ट्राई कीजिएगा। ए फाइल मतलब इस वाली फाइल की बात कर रहा हूं। अब हम तीसरे सेक्शन में आते हैं, वो आते हैं हम और लास्ट सेक्शन लास्ट टॉपिक मिसलेनियस फॉर्मूला। हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस कैलकुलेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज, हाउ कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। फर्स्ट यू वांट टू टाइप योर परसेंटेज 20%, टाइप 20 एंड गिव द परसेंटेज सैंपल। इफ यू हैव टाइप द 20 एंड आफ्टर दैट गिव द परसेंटेज सैंपल, तो यहां पे 2000% हो जाएगा बिकॉज इन द एक्सेल 1 इक्वल टू 100%। तो एक अगर आपने डाल दिया तो 100%। अब इससे साबित होता है कि मुझे 0.20 डालेंगे एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई द परसेंटेज सैंपल तो यहां पे 20% आए। तो यहां मुझे अगर मान लीजिए कि 500 का अगर 20% निकालना है तो वी हैव जस्ट मल्टीप्लाई, यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई। उसी तरह से अगर आपने 600 नंबर का पेपर दिया और 360 नंबर आए हैं, हाउ मेनी परसेंटेज, 360 डिवाइड बाय 500 एंड यू हैव अप्लाई द परसेंटेज सैंपल एंड गिव द 60%। यहां आप इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द राउंड। अब यहां पे कुछ नंबर्स राउंड में है, मुझे इसको राउंड करना है। तो एक तो है कि हम यहां से इसकी विजुलाइजेशन को कम और ज्यादा कर सकते हैं, बट दिस इज द विजुअल नॉट ए ओरिजिनल। ओरिजिनल यहां देखिए आपके पास डेसिमल है, सो मैं यहां पे ओरिजिनली करना चाहता हूं। तो यहां पे हम राइट क्लिक करेंगे राउंड, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिजिट अगर हमने 2 दिया इट मींस 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे शो करें, अगर यहाँ पे हमने 0 दिया शो नियरेस्ट नंबर की जो नियरेस्ट है वो शो होगा। जस्ट लाइक अब यहाँ पे मैंने 3 है सो 56 किया,
बट 7-3 होगा, 7-6 होगा, सो गिव द 57. उसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए नंबर राउंड करने, सो एक बॉक्स में 12 क्वांटिटी होती है और मेरे पास जो ऑर्डर आई है वो आई है 52,364 क्वांटिटी की. सो जाहिर सी बात है ये पूरा 12 का अकॉर्डिंग होगा नहीं. सो कस्टमर पूछेगा मुझसे ये कितने होंगे, आपके हिसाब से कितने क्वांटिटी होंगे जो कि बॉक्स के इक्विवेलेंट होंगे. सो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सेलिंग का. सेलिंग फॉर्मूला सेलेक्ट द नंबर एंड गिव द सिग्निफिकेंट इमेज 12. सो ये बताएगा नंबर नियरेस्ट टू 52,364 एंड मल्टीप्लाई बाय 12. Divide, not divide by 12 without decimal, and also they give the floor. So selling the upper value, selling jo hai upper mein diya, upar ki diya, aur floor hamesha niche ka rahega. To yahan pe decimals round kar sakte hain aur yahan pe aap numbers ko round kar sakte hain selling floors. Ab date calculation ki baat karte hain. Ab sabse pehle maan lijiye ki mujhe yahan pe apni system date dalni hai. तो पहले चेक करिए कि आपके सिस्टम का डेट क्या है. सिस्टम डेट इज 17/07/2023, मतलब 17 इज डीडी एमएम वाईवाई. सो यहां आज का डेट डालना है 17/07 करना हो. और सम पीसी हैव ए डीडी एमएम एंड सम पीसी हैव ए एमएम डीडी. सो पहले चेक कर लें, देन टाइप करें, प्रेस द एंटर, यू कैन सी हियर. अब मुझे किसी डेट की फॉर्मेट चेंज करनी है तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट मिल जाएगी. इसके अलावा और भी फॉर्मेट चाहिए तो हम यहाँ डेट में जाके अपनी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी वांट टू ऐड सम नंबर इन डेट. इट्स लाइक आई वांट टू 20 आफ्टर 20 डेज व्हाट डेज. सो यहाँ पे हम 17+20 करेंगे, वी गॉट द रिजल्ट 16 अगस्त. जस्ट प्लस करना है. उसी तरह से डिफरेंस निकालना हो, जैसे कि 1 जैन टू टिल डेट हाउ मेनी डेज. सो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड वी गेट द रिजल्ट. हालांकि इसके लिए डेज का फॉर्मूला है वो भी आप लगा सकते हैं, लेटेस्ट कॉमा ओल्डेस्ट. अब अगर मुझे करेंट सिस्टम डेट चाहिए तो मैं टुडे का फॉर्मूला लगाऊंगा. टुडे गिव द करेंट सिस्टम डेट और एवरी डे अपने आप को अपडेट करेगा. एंड नाउ फॉर्मूला ऑल्सो गिव द डेट एंड टाइम एंड एवरी टाइम अपडेट. उसी तरह से हम टाइम की बात करें तो मुझे अगर सुबह के 10 बजे डालना है तो यहाँ पे इजली डाल सकते हो, और रात के 10 बजे डालना है सो वी नीड टू गिव AM एंड PM. अगर आप PM नहीं देते हैं, एम एम तो बाई डिफॉल्ट ले लेगा, पीएम नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये बाई डिफॉल्ट एम ले लेगा. और डिफरेंस के लिए आप लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो आपको डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल. अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की. अब यहां मान लीजिए मुझे मैंने नाम दिया सुजीत एंड कुमार और मुझे इनको आपस में ज्वाइन करना है, तो कॉनकेटनेट का फॉर्मूला तो है ही. उसके अलावा वी हैव सिलेक्ट द डेट, गिव द एंड परसेंट, और मुझे एंड परसेंट में स्पेस भी चाहिए सुजीत और कुमार के बीच में, तो एंड परसेंट एंड गिव द कुमार एंड प्रेस द एंटर, सुजीत कुमार ज्वाइन हो जाए, सिंपल. तो एंड परसेंट दो टेक्स्ट दो सेल वैल्यू को ज्वाइन करने का काम करता है, दो सेल वैल्यू को ज्वाइन करने का काम करता है. बट यहां पे अगर मान लीजिए कि मेरे पास डेट है और हम कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं कि फ्रॉम गिव द इक्वल फर्स्ट इक्वल फ्रॉम वर्क फ्रॉम एंड परसेंट, हमने डेट सेलेक्ट किया
एंड ऑल्सो स्पेस टू स्पेस एंड परसेंट एरिया प्रेस द एंटर. सो वर्क फॉर्म 1 जैन टू 17 जुलाई, बट डेट जो है मुझे 44927 के फॉर्म में दिखता है. ठीक है, जब भी हम डेट टाइप करते हैं, डेट डेट नहीं होता, एज ए नंबर होता है. क्या होता है? नंबर होता है. तो यहाँ इसी तरह की प्रॉब्लम हुई कि नंबर आ गई, क्योंकि जब भी डेट में हम जनरल फॉर्मेट करते हैं तो आप देखेंगे एक नंबर होता है, नंबर ऑफ डेज कहलाता है. ओरिजिनल यही होता है. तो जब भी फॉर्मूला वर्क करता है ओरिजिनल पे, नॉट डिजिटल पे. सो मैं यहाँ पे इस जो डेट है इसको हम टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डालेंगे. किसके अंदर? टेक्स्ट. और यहाँ पे हम करेंगे डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई, और इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे. यहां पे कर देता हूं मैं टेक्स्ट डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया. अब कुछ यूजफुल फंक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं. उससे पहले एक और है इनडायरेक्ट फॉर्मूला. अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 10 देते हैं. तो यहाँ पे हम एड्रेस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या है. रो नंबर यहाँ कॉलम J5, ये रहा आपका J5. अब J5 पे 500 है, मुझे J5 से 500 डेटा चाहिए, तो इसके लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा. इनडायरेक्ट फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है उसके सेल रेफरेंस में और उससे रिजल्ट आ रहा है. मतलब कि मैंने अगर यहाँ पे J5 लिख दिया, तो अगर डायरेक्ट हम J5 फॉर्मूले के अंदर में लिखेंगे तो इसको कंसिडर कर लेंगे. बट मैं चाहता हूं कि ये जो J5 है इसको सिस्टम J5 समझ के इसको रीड कर लें. So, यहां मुझे लगाने पड़ेंगे फॉर्मूले इनडायरेक्ट. अब चलिए कुछ यूजफुल फंक्शन देख लेते हैं. जैसे सम का सम फॉर्मूला, हमें सम निकालना. उसके बाद एवरेज फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला एवरेज देता है. काउंट, काउंट द नंबर, जो नंबर है उसको काउंट करेगा, टेक्स्ट को नहीं. टेक्स्ट के लिए मुझे काउंट ए लगाना पड़ेगा. देन मैक्स फॉर्मूला, किसी भी सिलेक्टेड डेटा का मैक्सिमम नंबर देता है. मिन फॉर्मूला, मिनिमम नंबर देता है. एंड राउंड मैंने बताया आपको, स्क्वायर टी स्क्वायर रूट देता है. यहां देखिए, अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए तो 4 आएगा. पावर जो है, पावर सिंबल के जगह पे पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो 10 का है पावर 2 या पावर 3 या पावर 4, यहाँ चेंज कर सकते हैं. रैंड फॉर्मूला, रैंडम कोई भी नंबर देता है, जैसे कि डेसिमल रैंड लगाया और हमने एंटर मारा तो रैंडम कोई भी नंबर देगा और हर बार अपने आप को चेंज करेगा. कहीं भी कुछ करेंगे एंटर मारेंगे तो अपने आप को अपडेट कर. और सेम रैंड बिटवीन होता है, वो भी यही काम करता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि कितने के बीच का डेटा है. तो 10 और 90 के बीच का डेटा आएगा, हर बार चेंज करेगा. देन अपर, किसी भी टेक्स्ट को अपर लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम अपर फॉर्मूला लगाते हैं. लोअर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोअर का फॉर्मूला लगाते हैं. और बाकी जो फॉर्मूले तो मैंने आपको बताया है, और इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, जहां पे आपके यहाँ पे इसके डेफिनेशन है, इसको आप देख सकते.